नमस्कार, मैं हूं अमवीर सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम गांव में विकास के बढ़ते कदम। नमस्कार, मैं जानवी कुमार द्विवेदी। आज हम आए हैं तिंदवारी विकास खंड की ग्राम पंचायत पिपर गांव। हाँ नमस्कार, अब हम बात कर रहे हैं ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी के प्रतिनिधि श्री शिवपूजन जी से। तो शिवपूजन जी, बताइए कि अब तक आपके कार्यकाल में कौन कौन से ग्राम में विकास कार्य, मुख्य रूप से विकास कार्य कराए गए हैं? हमारे ग्राम पंचायत पिपर गांव में तीन विद्यालय हैं। तीनों विद्यालय में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है। एक RCC चुनकावा से लेकर के अवधेश तक जी, एक इंटरलॉकिंग जगत से लेकर के सीताराम के दरवाजे से तक, और सीताराम के दरवाजे से लेकर के जो है शौचालय तक जी कार्य कराए गए। अच्छा अच्छा, तो ये तो मुख्य कार्य हो गया आपके। पंचायत भवन में सुंदरीकरण वगैरह? पंचायत भवन में कई पीछे इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया। हाँ, सुंदरीकरण मतलब सुंदरीकरण कराया गया जी जी। और आगे की क्या रूपरेखा है? आगे की रूपरेखा ये है कि गांव का चतुर्मुखी विकास हो जी। बहुत बढ़िया, गांव की रास्ताएं कुछ खराब हैं, उनको सुधार करने में हमारा सतत प्रयास है जी जी जी। हम आगे बढ़ रहे हैं और आशा है कि हम विकास को पूर्ण करा दें। बहुत बढ़िया। तो अभी हम बात कर रहे थे ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि श्री शिवपूजन जी से, अब हम दिखाएंगे गांव में कराए गए विकास कार्यों को। तो आइए चलते हैं। ग्राम पंचायत में हैंड पंपों के पास 100 पिट बनवाए गए हैं ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके, साथ ही जल संचयन हो। वहीं स्कूल परिसर में इंटरलॉकिंग का कार्य ग्राम पंचायत ने कराया है। इससे बच्चों को खासी सुविधाएं मिल रही हैं और स्कूल का परिसर भी साफ सुथरा है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। गांव के दूसरे स्कूल में भी ग्राम पंचायत ने इंटरलॉकिंग का कार्य कराया है। साथ में टाइल्स लगाए गए हैं। दोनों स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए शौचालय बनाए गए हैं।